subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. So that can give you a political mind. Tej dimag, chatur dimag, aur krodhi dimag. Fifth house is a house of education. Sun is a planet of administration. ठीक है? तो administration से संबंधित पढ़ाई, management से संबंधित पढ़ाई, leadership roles उनसे संबंधित पढ़ाई. Fifth house is a house of public, जनता का धन है, प्रसिद्धि. उसमें सूर्य बैठ जाए तो सुपर प्रसिद्ध कर सकता है आदमी को. ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन. ऐसे लोगों का इंटरेस्ट कई बार पंचम स्थान में सूर्य होता है. सूर्य क्योंकि आत्मा का कारक होता है, बुद्धि में जाके बैठ जाता है. तो ऐसे लोगों का इंटरेस्ट अध्यात्म में, क्रिएटिविटी में, क्रिएटिव चीजों में भी बहुत होता है. ठीक है, तो क्रिएटिविटी भी बढ़ा देता है. तो पंचम सूर्य दिखावा है ना, और पंचम भी मीडिया एंटरटेनमेंट बेसिकली बड़ा छोटा पड़ता है, बड़ा पड़ता है. तो थोड़ा सा शो ऑफ कराने की टेंडेंसी को इंक्रीज कर देगा. फिफ्थ हाउस का सन या तो संतान का लॉस कर देगा, अगर लॉस नहीं करेगा तो मतलब अगर पॉजिटिव है या उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पहली संतान का लॉस नहीं किया तो भी संतान से मतभेद बनाएगा, क्योंकि बैठा है वहां पर, बैठा है तो जलाएगा, तो बनाएगा संतान से मतभेद. ठीक है, पंचम स्थान का सूर्य, पंचम स्थान पिछले जन्म का स्थान, वहां पर सूर्य आत्मा का कारक होकर अगर बैठता है तो लास्ट बर्थ के पुण्य कर्म देता है, देता है, देगा. वो प्रसिद्धि के टर्म्स में दे देगा, अत्यधिक तेज बुद्धि के टर्म्स में दे देगा, पर लास्ट बर्थ के प्रसिद्धि के या पुण्य कर्म को वो निकालता है. पंचम स्थान का जो सूर्य इज अ प्लैनेट फॉर आयुर्वेदा, है ना, सूर्य इज द प्लैनेट फॉर आयुर्वेदा. तो फिफ्थ हाउस इज 12th to 6th, छठे से बारहवें. तो ऐसे लोगों को शक्ति या आयुर्वेदा से सॉल्व करने की कैपेसिटी देते हैं, दे कैन बिकम गुड डॉक्टर, है ना, या गुड काउंसलर. नाउ अगर बॉडी पार्ट की हम बात करें तो पंचम स्थान पेट है, पेट में बैठ गई अग्नि, तो क्या करेगा, जट रागिनि को तेज कर देगा, है ना, तो एसिडिटी बढ़ाएगा. अगर कोई और मंगल चली हुई कोई देख ले रहे हैं तो फिर वो हर्निया, अपेंडिक्स, हाइपर एसिडिटी. ठीक है, अब हाइपर एसिडिटी होगी, पंचम बुद्धि स्थान है, एंगर अपने आप ही बढ़ जाए, एंगर हो ही जाएगा एसिडिटी के कारण. तो एंगर आता है एकदम से जो शूट करता है ना, तो एकदम से जो आदमी गुस्सा हो जाता है एसिडिटी के कारण. ठीक है, पंचम स्थान दशम स्थान का अष्टम, दशम का अष्टम तो सरकार से कर्म में बाधा, सरकार से कर्म में बाधा आएगी. ठीक है, अब पंचम स्थान सूर्य का भी मैंने क्या बोला, जिधर देखेगा उसको एलुमिनेट कर देगा, पंचम में बैठेगा इलेवंथ को देखेगा, तो आपके लाभ को मल्टीप्लाई कर, तो सरकार से लाभ की स्थिति और दूसरे भी तरीकों से लाभ की स्थिति को बढ़ा. तो दशम से अष्टम में सरकार से काम में बाधा देगा, तो अभी रेड पड़ गई, ये हो गया, ये तो अमीरों की जिंदगी में चलता ही है ना, झोपड़ियों को रेड मारा. कर्म में सरकार की तरफ से कर्म में बाधा दे सकता है, बट वो चूंकि इलेवंथ हाउस को भी देख रहा है तो उधर तो लाइट लगा देगा, तो उसको इंक्रीज कर देगा इनकम. उसका रास्ता सरकार से संबंधित लाभ, ठेकेदारी, सूर्य से संबंधित और काम जो आते हैं, इलेक्ट्रिक संबंधित काम, बिजली संबंधित काम से फायदा, मित्रों से फायदा, मित्रों से फायदा कराएगा. ठीक है, पिता से फायदा, क्योंकि नवम का नवम, पंचम नवम का नवम, तो पिता का कारक होगा लाभ स्थान को देखा, पिता से फायदे की स्थिति बना सकता है. ठीक है, बड़े भाई से फायदे की स्थिति बना सकता है, उसका लड़ा भाई बड़े भाई. बट बॉडी लेवल पे आप बात करो तो वो एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही. ठीक
पेट संबंधित रोग क्रिएट करेगा, संतान या तो डिले करेगा, अबॉर्ट करेगा, दोनों चीजें नहीं करेगा तो उससे संबंध खराब करेगा। मतलब एग्जैक्टली सन, जब सन संबंध खराब करता है मतलब कि वैचारिक मतभेद, तो सन तो अपने हिसाब से चलता है और उसका सन अपने हिसाब से चलेगा इंग्लिश वाला, तो वैचारिक मतभेद आएंगे उसमें। ठीक है, आप किताबों में जाके पढ़ोगे बस, उसमें क्या है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे आपको, वो केवल लिखेंगे ऐसा करेगा वैसा करेगा ये करेगा वो करेगा। हम क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे। ठीक है, ज्योतिष में दो तरीके की चीज़ें, एक आप कॉन्सेप्ट पकड़ो उसके हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट निकाल लो, दूसरा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऋषि मुनियों ने कह दी हैं वो सत्य है, उनको याद ही करना पड़ेगा, वो रूल है। So when we code in the computer, there are something which runs through logic, है ना, जब हम कोडिंग करते हैं तो, but there are something which runs through command डालो ये होगा। ठीक है, तो command doesn't run through any logic, क्योंकि वो command तो सीखना ही पड़ेगा, उसके बाद logic आएगा। तो ऐसी दोनों चीज़ों में है, कुछ चीज़ें हम logic से पकड़ेंगे, कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। Basically जो उसका जो वैचारिक मतभेद, पिता का वैचारिक मतभेद कब आता है बच्चे से, जब वो उसका बहुत भला करना चाहता है, लेकिन क्या क्या वो कहता है मेरी तरह बन, या फिर मैं जैसा चाहता हूँ वैसा बन, हाँ, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट।